भैया दो बंटी की दो प्लेट टिक्की है ना, तो आज इंडिया में नेगेटिव आ गई है द्वारका स्टोर के पास और ये है देहरादून में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये छोटा सा स्टॉल है और यहाँ पे लगता है बन टिक्की जो कि देहरादून में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत लोग दूर दूर से इसको टेस्ट करने के लिए आते हैं। तो चलिए चलते हैं भैया से बात करते हैं और अपने लिए बन टिक्की लगवाते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में यहाँ पर टिक्की बन रही है और कितना फटाफट काम चल रहा है, भैया की स्पीड देख सकते हो और एकदम पत्ते में बन टिक्की लग रही है यहाँ पर। आप तवा देख सकते हो कितना बड़ा तवा है और कितनी ज़्यादा टिक्कियाँ बीच में इसमें हैं और एकदम फटाफट काम चल रहा है। तो ये यहाँ से होना भैया अपना नाम बताइए। विक्की कश्यप। ठीक है भैया, कितना टाइम हो गया? हाँ जी 37 ईयर। 37 ईयर्स जी। तो 37 ईयर्स हो गए और इतने टाइम से यहाँ पे बन टिक्की लगा रहे हैं और लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ की बन टिक्की। तो ये क्या खास बात है यहाँ की बन टिक्की में? आप लोगों का प्यार है भैया जी। अच्छा, लोगों का प्यार? हाँ जी। तो देख सकते हो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं यहाँ की बन टिक्की, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे बन टिक्की लगती है? बन टिक्की बस, और कुछ नहीं। तो लोग सिर्फ बन टिक्की खाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो भैया ये आलू टिक्की होती है? हाँ जी आलू टिक्की होती है भैया। ठीक है, तो इसका प्राइस क्या रहता है बन टिक्की का? बन टिक्की 25 रुपीज़। 25 जी। डबल टिक्की होती है? हाँ, एक बन में दो टिक्की। पत्ते में सर्व करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो भैया ये आलू टिक्की रहती है? हाँ जी भैया। और साथ में कुछ और दाल वगैरह? हाँ जी, दाल भी डाल, चने की दाल। भैया शॉप की टाइमिंग क्या रहती है? 5 से 10। और हफ्ते में कितने दिन ओपन रहते हैं? 7 दिन बस। संडे को जैसे आजकल ऑफ चल रहा है। ठीक है, और इसकी लोकेशन बता दीजिए एक बार। 2 इंदर रोड डालन वाला पंचपुरी कॉलोनी। ठीक है, तो भैया देख सकते हो बहुत ज़्यादा बिजी हैं भैया, क्या बात करने तक का टाइम नहीं है। और देखिए बहुत ही एकदम स्पीड से लगा रहे हैं भैया। खट्टी चटनी, मीठी चटनी, दही, प्याज, टमाटर, वो मसाला। तो ये बन लगा दिया, ऊपर से आलू टिक्की डाल दी, थोड़ा सा दही डाल दिया, थोड़े से मसाले डाल दिए और थोड़ी सी चटनी और वो है सैलेड। तो बहुत ही नॉर्मल लगता है इसको, बट टेस्ट मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है और पत्ते से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये हमारे बन टिक्की लगने जा रही है। तो ये तो दो टिक्की डाल दी भैया ने, एक बन लगाया हुआ है और साथ में ये कौन चटनी है? मीठी चटनी, हरी चटनी, दही, आलू और ये सैलेड और ये मसाला। तो देख सकते हो ये हमारी बन टिक्की यहाँ पे लग चुकी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने भैया ने लगा दिया है। तब इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है टेस्ट में। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा बन टिक्की लग चुका है, तो मैं इसको जल्दी से टेस्ट कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा है टेस्ट में। और इसमें मैं दिखा देता हूँ उन्होंने क्या क्या डाला है। तो ये है इनकी टिक्की, थोड़ा सा ऊपर सैलेड डाला हुआ है, दही डाला है वो भी आलू के साथ, और साथ में इन्होंने दो चटनी डाली है, हरी चटनी डाली है, सौंठ की चटनी डाली है। तो इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। देख सकते हो दो टिक्की डाली हुई है इन्होंने इस बन में। तो बन देख सकते हो कितना सॉफ्ट लग रहा है, ये देखिए कितना स्पंजी सा है और उसमें इन्होंने दो टिक्की डाली हुई है। इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। तो इनकी बन टिक्की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, जो उन्होंने टिक्की डाली है बहुत ही ज़्यादा क्रंची सी है और जो दाल का फ्लेवर आ रहा है बहुत ही बढ़िया आ रहा है। इन्होंने जो रेड चटनी डाली है, ग्रीन चटनी डाली है, उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उन्होंने जो बन यूज़ किया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही अमेजिंग है। तो मेरा देहरादून आना सफल हो गया और इनका बन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे। देहरादून में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, तो इस बन का प्राइस है 25 रुपीज़, इसमें दो टिक्की होती है। तो अगर आप भी ये बन टिक्की टेस्ट करने जाते हो तो आप द्वारका स्टोर के सामने स्टॉल पे आ सकते हो और इनका बन टिक्की टेस्ट कर सकते हो। तो अब मैं इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ उसे नेक्स्ट वीडियो में।